Gabada bagere agar nigasa Gabada bagada bagare agar nigasa Gabani dasa sa sa ni da da ni pa Gabani dasa ni da 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 ni gaba अरे खट्टोला उठेगा कि नहीं उठेगा? इधर से उधर घूम कर लिया। बस एक मिनट की देर क्या हो गई, लगे चीखने चिल्लाने। थोड़ी देर पहले ही खड़ा हो जाता तो सुबह सुबह ये डांट तो नहीं सुननी पड़ती। खैर, ये मौका बचा भी लेता तो कोई दूसरा मौका ढूंढ निकालते। इन्हें तो मेरे उठने बैठने देखने चलने यहाँ तक कि आंखों की पलकें उठाने गिराने के ढंग में भी खराबी नजर आती है। तोड़ ले बदन को, तोड़ डाल। अरे ये दरिद्रता की निशानी है, दरिद्रता की। अरे मांगे इसे भीख भी मिल जाए ना तो इसके पेशाब में मूछ मुड़वा दूंगा, समझी? देखता कैसे है वे शनिचरा? इसकी आंखों पर शनिचर का बास है, शनिचर का। सोने पे भी नजर डालेगा वो भी मिट्टी हो जाएगी मिट्टी। अबे अब हुब हुब करता रहेगा या उठेगा? तोड़ डाल इसे। 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी ये खाट। हाँ, ऐसे नहीं टूटे तो इस पर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दे इसे। बड़े आए डिप्टी कलेक्टर साहब, दोपहर तक सोएंगे फिर नखरे दिखाएंगे। और एक वो है बड़ा, दोपहर रात रहते ही अपने खेत में चला जाता है काम करने। बड़े भाई से कुछ सीखने का मतलब ही नहीं। क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का? अब थोड़ा गुस्सा कम किया करो, बराबर का लड़का है। तुम मजाक? अरे आई बराबर का है, मैं किसी से नहीं डरता, समझी? अब ये खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा जल्दी से तैयार होकर के आ, शहर जाना है। और सुन, आज शहर से लाइसेंस लेकर ही आना है। अगर बगैर लाइसेंस लिए आया तो मुझे अपना मुंह मत दिखाइए, समझा? माँ मुझे 1 रुपया दे दो, बच्चे आधी छुट्टी में चीज खाते हैं, मैं भी खाऊंगी। मेरे पास कोई खजाना नहीं गड़ा है, समझी? अरे क्यों बच्ची का दिल तोड़ती हो? ले बेटा ये ले। देखा, बाबूजी से 1 मांगो तो 2 देते हैं। बाबूजी? अरे बाबूजी, शामू रामू के बाबूजी, हमारे बाबूजी। चल चल अब ज्यादा बड़बड़ मत कर, स्कूल को देरी हो रही है, चल। ये सारी लड़कियां मुझे बाबूजी नहीं बुलाती, बड़े भैया को ही बाबूजी बुलाती। बुलाएंगी क्यों नहीं, बाबूजी का पहले फर्ज तो निभाओ। एक वो है हर दूसरे दिन बच्चों को कुछ ना कुछ दिलाते रहते हैं, अब सारे बच्चे भी उन्हीं को घेरे रहते हैं। अब एक बच्चा जो बोलेगा तो सारे उसी की तो जुबान सीखेंगे। ये तो है, लेकिन मुझे तो डर लगता है इस बार कहीं गलती से भी कहीं। सोच रहा हूँ अभी शहर जाकर नसबंदी करवा लूं। अरे लड़का भी तो चाहिए, लड़कियों से क्या होगा? लेकिन लड़का होगा कब? शायद इस बार। अच्छा मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है? रेखा के लिए किताब ले आना। और तुम्हारे लिए कुछ? मेरे लिए क्या? अब जाओ वरना पिताजी की रामायण फिर शुरू हो जाएगी। मेरे बेटा, मेरे लाल, मेरे जवान, मेरे तो अब जो कुछ हो तुम ही हो। कि अपना छोटू तो एकदम निकम्मा निकला, उसकी किस्मत ही खराब है, कहीं टिकता ही नहीं। मास्टर जी की नहीं
शहर में नौकरी की, वो भी छोड़ाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन अब ये हमारी आखिरी कोशिश है। अगर लाइसेंस मिल गया ठीक, नहीं तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद ही समझो। लो तैयार हो गए हम, पैसे दे दो। पैसे? हाँ, दो तीन चार पाँच, तुम खुद ही गिन लो ना यार। गधे को भी 14 साल पढ़ाओ ना तो वो आदमी हो जाता है, लेकिन तुम गिन लिए, रुपए पूरे हैं। जी मुझे गलती समझ में आ गई है, दोबारा नहीं होगी। अब बहुत अच्छा करोगे। अरे गोपीचंद को ढूंढ कर उसे रुपए देना, समझे, और उसे खुश कर देना। जी इसके बाद भी अगर तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे ना तो मैं समझूंगा गया जी में तुमने जीते जी मेरा पिंड दान कर दिया। वाह क्या अच्छा शगुन है। माँ भरी बाल्टी पानी लिए सामने आ गई, अब तो काम हुआ समझो। अब ये खुशखबरी लेके आए तब समझो। गोपीचंद, अरे ज्ञान से लाओ, काम हुआ कि नहीं तुम्हारा? अरे तुम्हारे बिना भला काम कैसे हो सकता है। मैंने तो सोचा कि बस रस्पति तो होने, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। इधर तो महीना भर होने को आया, गाड़ी वहीं की वहीं आती है। तो महीना हो या साल, जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं पड़ेगा तो गाड़ी तो अटकी रहेगी, कैसे चलेगी। इसीलिए तो आया हूँ। ये लो पूरे 800 है, गिन। चलो देर से आए और दुरुस्त आए, बस मैं क्यों गया और यूं आया। अरे ला, नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीनी। नहीं नहीं चाय तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। अबे तुम जब तक चाय पियो, अब मैं लाइसेंस लेके यूं आया बस। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पानी ही पीता रहेगा या मुंह से कुछ फूटेगा भी है? कुछ बताता ही नहीं। अरे कैसी चिट्ठी पत्री है, कैसा कागज है, कहां से आया है, क्या लिखा है, कुछ फूट तो। अपॉइंटमेंट लेटर है। कौन सा लेटर है? अपॉइंटमेंट, नौकरी की चिट्ठी। शहर में सरकारी नौकरी लग गई है। हाँ। अरे मेरा बेटा, मेरे लाल, एक बार फिर से तो बोल, क्या सरकारी नौकरी लग गई है? अरे सुनती हो ज्ञान की अम्मा, अरे जरा सुनो तो। मैंने कहता था मेरा बेटा होनहार है, एक दिन मेरा सर ऊंचा करेगा, और आज इसने मेरा सर ऊंचा कर दिया। क्या खुशखबरी है काका? खुशखबरी? अरे मेरे बेटे की शहर में सरकारी नौकरी लगी है। अरे मैं तो जानता था मेरा बेटा बड़ा होनहार है, काशी के पंडित ने कहा था तुम्हारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी। भाई ये तो है, भाई लगता तो होनहार ही था। अरे इसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, तभी इसको हनुमान चालीसा कंठस्था एकदम जवानी बोल देता था मेरा बेटा। छिटाक छिटाक देसी घी दाल में डालकर पिलाया है जी मैंने। अरे शहर से सरकार ने किसी को रजिस्ट्री भेज के बुलवाया है कभी? सरकार में राजकाज चलाना मामूली बात नहीं होती। वाह रे भाई ज्ञान, वाह। अभी गांव वालों को जाके खबर करता हूँ, सारा गांव का नाम रोशन कर दिया। वाह रे ज्ञान भाई, इसी तरह की खुशखबरी देते रहना। अरे तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा खाना बना। और सुन, दो सब्जियां बनी है, दो, एक सूखी एक रसे की। और सुन, अपने मर्द को दूध पिला दियो। अरे अच्छा हुआ वो मास्टरी चली गई, कहाँ वो मास्टरी मुदर्रसी और कहाँ ये अफसरी। जियो मेरे लाल। क्या करें, हमारी बीवी तो नौकरी करती है, बस वही रोज रोज एक कैंटीन की थाली बस। मैं तो सोनीपत से 7:10 की ट्रेन पकड़ कर आता हूँ, मुश्किल है, ऊपर से डर कि बॉस कोई मेमो ना थमा दे। जी हाजी की करने में क्या बुराई है, 20 साल की सर्विस हो गई, 3-3 बॉस बदल गए, लेकिन हम तो वहीं के वहीं। मेरी सलाह मानो तो कुछ गिफ्ट वगैरह दे दिया करो बॉस को। ये सब मुझे नहीं आता,
मैं गांव का सीधा साधा आदमी हूँ। शहर में तो शहर के रंग में रंगना ही पड़ेगा। रंग तो चढ़ने लगा है शहर का। कभी दूसरे दिन मुझे मुना डाली मजबूरी है भाई। गांव में तो नाई अनाज के बदले शेव कर देता है, यहाँ पूरे 2 रुपए लगते हैं शेव करवाने के, और बाल कटवाने जाओ तो 5 रुपए अलग। ओ तो इसीलिए मैदान सफा चट। और क्या, 2 रुपए का रेजर पूरे 15 दिन चल जाता है, 15 दिन। अब देखो शहर में फिजूल खर्ची तो चलती है नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि यार ये कुतुब मीनार कौन से नंबर की बस जाती है? 502 नंबर। क्यों, कुतुब मीनार जाना है क्या? भाई देखने का मन है, अगर दिल्ली आकर भी कुतुब मीनार, लाल किला और राजघाट नहीं देखा तो फिर क्या किया? क्यों भैया, हम भी तो इसी शहर के हैं, पर हमने तो आज तक कुछ नहीं देखा। अरे इसी को तो कुएं का मेंढक कहते हैं, हम लोग तो दफ्तर में आकर दफ्तर के ही रह गए हैं। अरे कुछ तो बाहर की दुनिया भी देखे भाई। देख भाई देख, तू ही देख बाहर की दुनिया, हम तो ऐसे ही ठीक है। मेरी सलाह मानो तो कल बॉस को कुछ गिफ्ट दे आओ, दुआ सलाम रखोगे तो प्रोवेशन क्लियर हो जाएगा। कल ही मिलता हूँ बॉस से। ज्ञान साहब आपको बॉस ने बुलाया है। लीजिए कल क्या बुलावा आ ही गया। संभल कर, ज्यादा बोले तो चुप ही रहना, और याद रहे तुम अभी प्रोबेशन पर हो। ठीक है यार। लुक मिस्टर, तुम्हारा काम बिल्कुल भी सेटिस्फेक्टरी नहीं है। ये क्या नोट लिखा है, किसी को जॉब ऑर्डर ऐसे देते हैं क्या? सर वो हरी साहब ने। व्हाट हरी साहब, नोट तुम लिखते हो या हरी साहब? मत भूलो तुम प्रोबेशन पर हो, मेरी एक लाइन तुम्हारी नौकरी खा सकती है। मूर्खों की तरह मुंह बाहर क्यों खड़े हो? डू यू थिंक आई एम अ फूल? समझते क्या हो अपने आप को? गेट लॉस्ट, आइंदा ऐसी गलती की तो नौकरी से बाहर। अब खड़े क्यों हो? गेट आउट, आई सेड गेट आउट। ओह माय गॉड, यू आर टर्मिनेटेड, तुम्हारी नौकरी खत्म। अरे ऐसी नौकरी का क्या कर रहा है, भाड़ में जाए ऐसी नौकरी। मैं तो बस एक बात जानता हूँ, जान जाए तो जाए पर शान ना जाए। लाख रुपए की बात कही काका, नौकरी का क्या है, बहुत है। बहुत? अरे तो वहीं पे बड़ा साहब बन जाता। बड़ा साहब, वो कैसे? अरे भाई किस्सा तो पूरा पता चले। अपनी शान में गुस्ताखी नहीं सही मेरे बेटे ने, और इसे साबित करके भी दिखा दिया। अरे वो इनका बॉस क्या था, वो बक्काल कहीं का, अब उसके सामने मेरा बेटा अपनी मुंह तरीची कर नहीं सकता था। अच्छा तो इसका साहब डांटता डपटता भी था? अरे इसे कहां बर्दाश्त, मारी एक लात खींच के पेट में, छाला मुंह से पिच पिच खून थूकने लगा। 3 दिन तक अस्पताल में रहा, होश ही नहीं आया होश। पुलिस पुलिस का चक्कर हो गया होगा फिर तो। अरे काहे का पुलिस का चक्कर, बड़ बोला तो वो था बक्काल, ये तो इस्तीफा देने लगा। तो उस साहब से भी ऊपर वाले साहब ने कहा, अरे ज्ञान तुम रहो, तुम कहाँ जाते हो है? तुम जैसा समझदार सरकारी काम को समझने वाला और कहाँ मिलेगा। वाह होशियार तो है अपना ज्ञान। तो फिर ज्ञान ने क्या बोला? अरे मैं बताता हूँ, इसने भी 40 शेर का जवाब दिया। कहा नहीं साहब, इसको निकालोगे तो इसके बच्चे भूखों मर जाएंगे। मेरा क्या, अरे मुंह छेंट के रहूंगा, भाले पे तेल मल के रहूंगा, मेरा क्या है। बस शहर में जाके एक ही गड़बड़ कराया, मूछ मुंडाया, बस सत्यानाश कर दिया। सही है, शहर में रहकर तो सचमुच आदमी हिजड़ा बन जाता है। दलाल गोपीचंद से बात हो गई है, वो कह रहा था इसे सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस मिल जाएगा, बीए पास है, अब ये भी तो राजयोगी है, है? इधर सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस मिला और इधर दुकान शुरू। और फिर नौकरी तो नौकरी है, अरे अपना काम तो शाही काम होता है। और क्या, पढ़ा लिखा है, अपना काम संभाल लेगा और ठाट से गद्दी पे बैठेगा। हाँ तो भाई ज्ञान, लाइसेंस के बाद पार्टी पक्की। हाँ भाई जम के पिएंगे। अरे लाइसेंस तो मिलने दे टीडी सिंह। लाइसेंस तो मिला ही समझो। अच्छा हम चलते हैं। राम 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 जी राम राम। मेहरा जोरू का गुलाम। अरे जोरू के बगैर नहीं रह सकता था तो मैंने कौन सा उसे गिरवी रख रखा था, ले जाता साथ में बंदरिया की तरह उसे भी न जाने। अब कान खोल के गांठ बांध ले, कल सुबह ही लाइसेंस के लिए निकल जाना। गोपीचंद ने कहा है वो काम करा देगा पक्का। कल तुम शहर चले जाओगे। हाँ अच्छा बोलो क्या क्या लाना है, कुछ लाना है तुम्हारे लिए? मेरे लिए क्या,
नहीं बोलो, बोल के तो देखो। प्यार इतना जताते हो, एक चोली तो लाके दे नहीं सकते। अब तुम्हें चोली की क्या जरूरत है? तुम तो अब तक एकदम नई नवेली लगती हो। देखिए अपनी काठी, कोई कहेगा भला तुम तीन तीन बच्चों की माँ हो। अब छोड़ो भी, कल तुम शहर चली जाओगी, मैं कैसे रहूंगी? भाजी भी कल मैके चली गई, माँ भी कल गंगा स्नान को चली जाएगी। अच्छा तुम लौटोगे कब? अब मैं वो काम तो निपटा के ही आऊंगा, चाहे दो दिन लग जाए। हाँ वो तो है, काम तो पूरा ही करके आना होगा। अच्छा इधर तो आओ। छोड़ो, अब तुम्हारे भैया को खाना डालना है, जल्दी आना। ठीक है तुम सो जाओ, सुबह शहर भी तो जाना है। राम राम ज्ञान भैया, कहाँ चल दिए? अरे बिरजू भाई जा शहर रहा हूँ, वो लाइसेंस बना। अरे हाँ याद आया, कल कहा तो था, लेकिन भैया जाओगे कैसे? गाड़ी तो छूट गई, 4 बजे वाली गाड़ी 4 घंटा लेट थी और 9 बजे वाली गाड़ी 6 घंटा देरी से चल रही है। हाँ भैया, और बसों की हड़ताल भी है आज। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो कल चले जाएंगे। तेरी भाभी भी घर में अकेली है, कल रात को मैंने जब जाने का बोला तो बहुत उदास हो गई। अरे तो ज्ञान भैया सोचना कैसा, जाओ और भाभी को मनाओ, लेकिन लाइसेंस मिलने पर सूखे सूखे नहीं छोड़ूंगा, ये बता रहा हूँ। अरे यार लाइसेंस मिल तो जाने दो। हाय काश आज ही लाइसेंस मिल जाता तो आज की रात रंगीन करते। अरे आज ना सही कल सही। ठीक है भैया, कल कौन दूर है। सुहर कौन बारा? अरे मोती का छोरा जो हुआ है। अच्छा उसके लड़का हुआ? हाँ अच्छी बात है ये तो, चलो। हाँ। उसमें भैया की कोई गलती नहीं थी, अरे मैं ही उनका हाथ पकड़ के दीवार लाई थी लड़का पाने के लिए, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। एक तो अकेला पड़ गया हूँ, एक तो मुझे मत छोड़ना, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी चाय भी खत्म नहीं हुई और ये लो तुम्हारा लाइसेंस तैयार। अरे बड़ी जल्दी बन गया। नहीं हो, लेकिन एक बात बता देता हूँ, इस चीनी के काम में ही अकेले 3,000 रुपए महीने की बचत है। समझ गया, सब समझ गया, ये लेन देन का चक्कर सब समझ गया, खूब ब्लैक करूंगा। शाबाश,
पर अबे एक दफा साहब से पर्सनली मिल लो और अपने इलाके के दरोगा वीडियो और कुछ मुंह लगे कुत्तों का भी मुंह बंद कर दो। हाँ, कुछ दो चार किलो चीनी दे दिया करो बस। अरे भाई सीधी सी बात है, एक साल में बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। चलता हूँ, अभी वो थोड़ी बहुत खरीदारी भी करनी है, शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। अगर आगे कभी जरूरत पड़े तो गोपी चंद को याद कर ले। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई ज्ञान, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों भाई, लाइसेंस मिल गया क्या? हाँ लाइसेंस मिल गया। आज नहीं छोड़ने वाले भाई, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। नहीं यार, मैं दारू वारू नहीं पीता हूँ। अरे बाबू, इसका नशा चढ़ेगा अच्छा तो सात आसमान ऊपर नाचोगे। चलो फिर पी के देखते हैं, आज इसकी भी तासीर पता चली जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ चलो। टीटी सिंह, बिरजू, ये दोनों तो मुझसे भी कम निकले। पुराने पापी पेकड़ पी के पसर गए। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे अब लाइसेंस मिल गया है। मैं सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा। मैं अपनी बीवी के साथ नहीं सो सकता। आज से अगर मेरी खटिया बिछेगी कहीं पर भी तो मेरी बीवी की कोठरी में। मैं उसे दुल्हन बनाऊंगा, उसके साथ फोटो खिंचाऊंगा, फोटो खिंचाऊंगा मैं। ज्ञान, तेरी बीवी भाग गई। लाइसेंस मिल गया है। क्यों रे कुत्ते, नाक कटवा दी ना? नाक है आपके पास? नाक नहीं है, नाक नहीं है मेरे, मेरे नाक नहीं है, नाक नहीं है मेरे। पता नहीं, मेरे तो नहीं है नाक। भाई लोग माफ करो, ये मैं इधर का माफ। ये जनखे, अगर ऐसा था तो मुझसे कहा होता, मैं तो नामर्द नहीं हूं। मैंने आपसे कब मना किया था? दौड़ने से पहले बता तो देती, टूटने से बच जाता, टूटने से पटकने से बच जाता। चोली ब्लाउज सब पार्सल करता है, लिखता लिखता कि बेटा होने पर खबर करे, मैं खिलौने लेकर आऊंगा।
ये खरबूजों की गंध कहाँ से आ रही है? पके हुए खरबूजों की गंध कहाँ से आ रही है? आज बहुत दिनों बाद फुर्सत मिली है, आज जी भर के खरबूजे खाऊंगा। बहुत दिनों बाद फुर्सत मिली है, जी भर के खरबूजे खाऊंगा, जी भर के खरबूजे खाऊंगा। भारत नाट्यम भारत नाट्यम भारत नाट्यम।